नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, आपको किसी खास मुद्दे के बारे में बात करनी है। प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं इस मेमोरेंडम के बारे में बात करना चाहूंगा। ये मेमोरेंडम के अनुसार मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जो भी मकान खाली हुए हैं उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही बसाया जाना चाहिए। गृह मंत्री होने के नाते आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा फर्ज है कि जो मुसलमान भाई डर के मारे यहाँ से चले जाना चाहते हैं उन्हें हम रोकें, और जो भाई जा चुके हैं उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करें। वो सब ठीक है, लेकिन इस तरह से तो शहर में अलग अलग कौमों के घर बन जाएंगे और इससे कौमी दंगों का खतरा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के डर को हटाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि कट्टरपंथी हिंदू वहां के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और जबरदस्ती उन्हें बस्ती के बाहर धकेल देते हैं। जबकि ज्यादातर होता है इसका उल्टा। पिछले हफ्ते ही हमारे 4 अफसरों को मुस्लिम इलाके से बुरी तरह से मारपीट कर भगा दिया गया। इस तरह से भेदभाव को बढ़ावा देना हमारी सुरक्षा नीति के खिलाफ है। मुस्लिम इलाके को मुस्लिम इलाका बनाए रखने के लिए बाहर से मुसलमानों को आयात तो नहीं किया जा सकता ना? इस बारे में हमारी बहस बहुत बार हो चुकी है। फिर भी मैं आपको याद दिलाना मेरा फर्ज समझता हूँ कि एक धर्म निरपेक्ष देश के अंदर संप्रदाय के आधार पर आबादी बसाने की नीति का मतलब होगा अपने ही सिद्धांतों को जड़ से काट कर फेंक देना।